अररिया में इरवा कटरा क्षेत्र में धनतेरस दीपावली को देखते हुए सीओ एसडीएम और थाना अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च करते हुए भीड़ भाड़ वालों इलाकों से होते हुए सभी पुलिस अधिकारी थाने में पहुंचे। वहीं अवैध तरीके से आतिशबाजी बनने की खबर को लेकर खेतों में बने एक कमरे का ताला खुलवाकर तलाशी ली। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि जो भी आतिशबाजी विक्रेता प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बिक्री करे, इसके अलावा अगर कोई गैर कानूनी तौर पर आतिशबाजी की बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले अपराधियों का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अभी पुलिस बाकी बचे अपराधियों की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि ये गिरोह प्लाज्मा से प्लेटलेट्स खरीद कर मरीज के तीमारदारों को मनमाने दाम पर बेचते थे। एग्जैक्ट डेट ये नहीं बता सकते हैं, परंतु रीसेंट टाइम में जो डेंगू फैला है उसके उपरांत जो डिमांड बढ़ी है प्लेटलेट्स की, अकॉर्डिंगली उसको जो इन्होंने गलत तरीके से उस को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए इस तरह के काम इन्होंने किए। बिल्कुल इन पर कठोर विधिक रूप से जो भी चीज़ें बनती हैं उन पर सारी कठोरतम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन जुड़ेंगे। पवन, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, प्रयागराज में नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी बीते दो दिनों पहले की बात की जाए तो संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि डेंगू के मरीज को नकली प्लेटलेट्स चढ़ा दिया गया जिससे मरीज की मौत हो गई। हालांकि ये वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक ने मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने आला अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया कि इस मामले को जल्दी से जल्द खुलासा किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बीते कल प्रयागराज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां पर डेंगू के कहर के बीच प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर बेचने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह से जुड़े विभिन्न लैब और पैथोलॉजी में काम करने वाले 10 लोगों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। इनके पास से प्लाज्मा के पैकेट तथा जो है और कई चीजें, गाड़ियां, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी जो है कार्रवाई कही जा सकती है प्रयागराज पुलिस की। अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और सीएमओ डॉक्टर नानक शरण ने लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले इस गैंग का पुलिस लाइन में खुलासा किया है। जी मेरी धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए।